नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल यादव स्वागत करता हूं गुरु आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, काफी सारे लोग हैं भाई मेरे जो मुझे जानते कि हाँ मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं, परंतु तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे वो नहीं समझ पाएंगे क्योंकि ये वीडियो मैं अपने घर से बना रहा हूँ गुरु। पहली बार ही मैं आपको अपने घर पे ये संडू बनाने वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इसका मतलब ये गुरु बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है और पंखा भी मेरा नहीं चल रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं पहले ही आपको क्लियर कर देने वाला हूँ कि इसमें कोई भी ब्लॉगिंग नहीं होने वाली है। अभी मैं गाड़ी पर भी नहीं हूँ, मैं अभी घर पे हूँ। तो मैं इस वीडियो में आपको आज ये बताने वाला हूँ कि बहुत सारे भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि भाई मैं कैंटर ले रहा हूँ, भाई मैं 14 टायरा ले रहा हूँ, भाई मैं 12 टायरा ले रहा हूँ। तो और एक भाई ने तो ये भी कहा था कि भैया आपके कहने से मैंने 14 टायरा ले लिए। तो आज इन सारी गाड़ियों के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी गाड़ी कब कहाँ कैसे चलती है और कितना प्रॉफिट देती है और ट्रक मार्केट है क्या और कैसे न्यू आदमी इसमें एंटर कर सकता है और उसे करने के बाद क्या क्या करना होता है। तो ग्रुप पूरे वीडियो के साथ बने रहे और अपने भाई को पूरा सपोर्ट करें, तभी आपके भाई का भी मन लगेगा और एक से एक नॉलेज आपका भाई आपके लिए देता रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, कंटिन्यू वीडियो को बात करें बिना कुछ देर किए हुए, करते हैं सीधे वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने कभी भी कैंटर गाड़ी नहीं चलाई, जैसे कि S1100 या फिर कोई 3240 या ऐसी भी कोई मतलब कैंटरबाजी तो मैंने बिल्कुल की नहीं है। तो उसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको नहीं बता सकता कि आप कैंटर लेके कहाँ चलाएं, क्या करें, कैसे क्या करें। यदि आपको कैंटर के बारे में नॉलेज चाहिए तो हमारा मतलब हमारा एक भाई है यूट्यूबर विक्की ट्रकिंग ब्लॉगिंग के नाम से उनका चैनल है, उनके पास खुद की अपनी कैंटर है। वो जहाँ भी जाते हैं सारा सब कुछ बताते रहते हैं और सब कुछ दिखाते भी रहते हैं, बाकी खर्चे की भी वीडियो बनाते हैं। तो भाई को जाके सब्सक्राइब कर लेना तो आपको वहां से कैंटर की भी जानकारी मिलती रहेगी। क्योंकि दोस्तों, बिना बजाय जब भी आपको कोई चीज नहीं मालूम होती है वो आप सामने वाले को नहीं बता सकते, और झूठा सूठा बता भी दोगे उसको फंस जाएगा बेचारा, तो उससे कोई फायदा नहीं होता है। और बहुत ही सुकून और शांति के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब जो है मोटरबाजी एकदम खत्म होने की कगार पे है। सच मानिए ये बात मेरी आप, क्योंकि मैं कंटिन्यू ड्राइवर हूँ। जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उनको सबको पता है कि मैं कंटिन्यू ड्राइवरी करता हूँ। और दोस्तों, जिस भी भाई को लगे कि मैं कहीं ना कहीं गलत कोई बात बोल रहा हूँ या फिर जो भी बात मैं बोल रहा हूँ वो आपके समझ में नहीं आ रही है, तो मुझको भाई की भाई कॉमेंट कर दें आप लोग, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ गुरु, खत्म होने की कगार पे है। उसके कई सारे रीजन हैं, भाड़े उतने ही हैं, खर्चे बहुत ज़्यादा, डीजल महंगा, टोल टैक्स इतने हो गए रोडों पे, तरीके तरीके के खर्चे हैं, पता नहीं कितने खर्चे हैं, इतने खर्चे हैं कि बस खर्चे ही खर्चे हैं। और फिर दूसरी बात ये कि आज के समय में गुरु आदमी नहीं मिल रहा गाड़ी पर। माना कि मैं ड्राइवर हूँ तो मुझे भी एक सहयोगी आदमी चाहिए होता है भैया। अब लेकिन जब गाड़ी पर आदमी नहीं मिलेगा, अगर आप लॉन्ग रूट गाड़ी चलाते हैं तो फिर आप किसके साथ जाएंगे गाड़ी चलाने, अकेले तो लेके जा नहीं सकते। यकीन नहीं मानोगे आप, मैं सिर्फ और सिर्फ आदमी की वजह से इस ट्रिप गाड़ी पे नहीं आया हूँ, क्योंकि मेरे को कोई आदमी नहीं मिल रहा था। तो मैंने अभी अपने मोटर मालिक के हाथ जोड़ दिए कि भैया मेरे साथ अभी कोई आदमी है नहीं। और वैसे भी आप लोगों ने देखा होगा जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं कि मेरे साथ कभी 2 महीने में कभी 1 महीने में हर ट्रिप कोई ना कोई आदमी बदल के ही जाता है, जबकि गुरु मेरी कोई ऐसी बात नहीं थी। मेरा जितना भी गाड़ी की पे जैसे कि कमाई होती है गाड़ी की, हमारी जो भी तनख्वाह है ट्रिप है, कोई चलाने वाला पूरा ड्राइवर होता है तो हम लोग आधे आधे ही पैसे करते हैं। वहीं भाई देखो, किसी का एवरेज आता है किसी का नहीं आता, अपन चोर डकैत वाले काम करते नहीं है। क्योंकि मार्केट में अगर आप चोरी करोगे, बैठोगे, हिसाब दोगे तो एक गाड़ी नहीं चल रही, 10 गाड़ी चल रही है, आपका खर्चा ज्यादा आएगा। और वो एक गाड़ी और वहीं गई होगी उसका कम आएगा, तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई वो भी गाड़ी वहीं गई है, तुम्हारा खर्चा ज्यादा कैसे आ गया। तो फिर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, इसलिए अपन वैसा कोई काम कर नहीं सकते। और वैसे भी गुरु मेरा भी मैं आपको बता दूं, थोड़ा खुल के नहीं बता सकता मैं, कि एवरेज औसतन मेरा महीने का जो होना चाहिए नहीं आ पा रहा है गुरु। आप लोग ही सोच सकते हैं कि भाई घर से बाहर आदमी इतने दिन लॉन्ग रूट जाना है, बाहर भी इधर चलना, औसत ना आए तो कोई फायदा नहीं है फिर गाड़ी चलाने का। और फिर उसमें मैं भाई मोटर मालिक को भी दोष नहीं देता हूँ, क्योंकि अगर मोटर मालिक को अगर सही पैसे बचते हैं गुरु तो हमको भी सही पैसे बच जाते हैं, और 1000, 2000 या 500 रुपये हम मोटर मालिक से ले भी लेते हैं कि भाई सही पैसे बच गए। अब जहाँ मालिक कोई पैसे नहीं बचेंगे तो फिर हम क्या लेके जाएंगे भाई, और कहाँ से हम पैसे ज़्यादा कमा पाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा एक ट्रिप मेरा 22 दिन का ट्रिप था जिसमें गाड़ी को भी घाटा था गुरु, तरबूज लेके गया था उसमें भाड़ा ही नहीं मिला था। तो ये सब कंडीशन अभी मोटरबाजी में चल रही है। और भाई
जो भी मेरे से कमेंट में गाड़ी लेने की सलाह लेते हैं तो भाई अपने पहले पूरी व्यवस्था देखें और पीछे अपना थोड़ा बैकग्राउंड थोड़ा स्ट्रांग करके रखें। यदि आपके पास पहले से स्ट्रांग है तो ही आप गाड़ी पे हाथ रखें या फिर मोटरबाजी करें, नहीं तो फिर आपका गुरु धन भी जाएगा और गाड़ी भी चली जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मद्दा चल रहा है इस वक्त। तो यही सब था जो मैं आपको बताना चाहता, क्योंकि मैं इस परिस्थिति से गुजर रहा हूँ। तो मैंने आपको बता दी, बेशक आज मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है गुरु, लेकिन एक्सपीरियंस मेरे पास बहुत है। मेरे पास कोई ट्रक नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे नॉलेज नहीं है, मुझे नॉलेज है और वही नॉलेज मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ कि मोटरबाजी में कैसी कैसी परिस्थिति आ जाती है। और गाड़ी का रुकना, गाड़ी का अगर पहिया रुका तो समझ लो कि आपकी इनकम भी रुक गई, तो जब इनकम रुक गई तो सारे काम फेल हैं गुरु। तो यही सब, कोई भी गाड़ी ले मेरा भाई, तो भाई मैं किसी को गाड़ी लेने की सलाह बिल्कुल भी नहीं देता हूँ। मैं कह जरूर देता हूँ कि जैसे आप यदि 12 टायर ले रहे हैं या 14 टायर, दो में से एक गाड़ी की आपकी लेने की डिमांड है तो फिर 12 को छोड़ के 14 लें, वो ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन फिलहाल मैं किसी को सलाह नहीं देता भाई गाड़ी लेने की, अपने रिक्स पे ही आप गाड़ी लें। तो ठीक है दोस्तों, गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है गुरु, बस यही था जो भी मेरे दिमाग में आज मैंने आपको बताया। और अगर आपके भाई की बात आपको थोड़ी बहुत समझ में आई हो या फिर कुछ कैसा भी आपको अंदर से महसूस हुआ हो, कोई गलत शब्द निकला हो, तो अपने भाई को माफ़ कर देना। और वीडियो अच्छा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल पे एक कमेंट जरूर कर देना और अपने भाई की सपोर्ट करें, ताकि हम आपको ऐसे वीडियो आगे आने वाले समय में देते रहें। फिलहाल तो अभी घर पे हैं, अभी देखते हैं कौन सी गाड़ी पे जाना, किस गाड़ी पे जाना, क्या करना है क्या नहीं गुरु। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सलाम, जय हिंद, वंदे मातरम।